हेलो गाइज, व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद तनीषा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज सुबह उठते ही मैंने सोचा था कि मैं ये मतलब रात को ही मैं ये व्लॉग प्लान कर सोई थी, व्लॉग क्या वीडियो, कि मुझे ये वीडियो बनानी ही बनानी है मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे पास इतने सारे DMs आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रही हैं और सबको मैं मतलब ट्राई करती हूँ जितना ज़्यादा मुझसे हो पाए मैं सबके रिप्लाई दूँ, सबसे बात करूँ, लेकिन बहुत से लोग अभी भी मतलब छूट जाते हैं, बहुत से मैसेजेस मैं नहीं कवर कर पाती। एक तो ना ज़्यादातर लोगों के सेम क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं भी फिर कभी कभी ये सोचती हूँ अरे कर दिया था मैंने, शायद रिप्लाई कर दिया था, बट नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखो, यूनिवर्सिटी बहुत वास्ट है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मेरे इस टाइप से DM आ रहे हैं कि दी हम बहुत दूर से आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारा इस यूनिवर्सिटी में पैसा वेस्ट हो या फिर ऐसा कुछ हो। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग आपको ये बोल रहे हैं कि बच्चे नहीं आते, अटेंडेंस प्रॉब्लम रहती है, ये रहती है, वो रहती है, तो नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको खुद अपना एडमिट कार्ड दिखा सकती हूँ सेकेंड सेमेस्टर का, जो मेरे एग्जाम्स अभी हुए हैं। मैं दो सब्जेक्ट्स में डिबार्ड थी, ठीक है। डिबार्ड मतलब कि आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाता आपकी अटेंडेंस शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। मैं खुद दो सब्जेक्ट में डिबार्ड थी क्योंकि पूरे गर्मी मैं नहीं गई थी कॉलेज और मेरी तबीयत भी खराब थी। तो लेकिन मेरा मैनेज इसलिए हो गया था क्योंकि मेरे पास, जब मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे पास डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन था और मेरे पास मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स थी, ठीक है। तो इसलिए अटेंडेंस मैनेज हो गई थी। अब जितने भी लोग आप में से ये सोच रहे हैं कि अरे ठीक है नहीं जाएंगे, अटेंडेंस मैनेज हो जाती है मेडिकल की वजह से, तो कोई भी डॉक्टर अब पास्ट में मेडिकल नहीं बनाता है। और अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि अरे हमारे घर में डॉक्टर बैठा है और बाहर क्लिनिक से बनवा लेंगे, तो नहीं, यूनिवर्सिटी क्लिनिक जो छोटे मोटे क्लिनिक्स होते हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन वो अलाउ ही नहीं करते, ठीक है। तो आपको किसी वैलिड मतलब या तो हॉस्पिटल का या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का आपको मेडिकल बनवाना ही पड़ेगा। एंड हॉस्पिटल्स अब आपको पास्ट के मेडिकल्स नहीं देते हैं, वो आपको आज का दे सकते हैं, कल का दे सकते हैं, परसों का दे सकते हैं, लेकिन पहले पास्ट वाले दिनों का वो मेडिकल नहीं बनाते। तो आपको खुद नहीं पता होगा कि आपने कब कब कितनी कितनी छुट्टियां ले ली हैं, वो तो आपको फिर आपके फैकल्टीज बताते हैं बेटा इस बीच तक आप गायब हो, ठीक है। तो मेरा तो नॉर्मल था, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन था, वो भी बिल्कुल हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन था, तो मैंने वो दे दिया था, तो फिर मेरे को एग्जाम में अलाउ कर दिया था। वरना अब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है जब से वाइस चांसलर चेंज हुए हैं यहाँ के, कि अटेंडेंस भी मतलब बिल्कुल 75 चाहिए। अगर 75 नहीं भी हो पाती है तो 70 पे अलाउ किया था इस बार सबको, हाँ मतलब 68-70 पे अलाउ कर देते हैं, लेकिन उतनी भी चाहिए, ठीक है। वो जो ERP है एक कॉलेज की, उसमें उतनी चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग BCA के लिए पागल हो रहे हैं। भाई इतनी ऐसा कौन सा कोर्स है? अभी पता है 2-3 दिन पहले तो मैं भी शॉक हो गई, मैंने कहा है मैं इंजीनियरिंग लाइन में गलत चली गई, मुझे भी BCA करनी चाहिए थी। भाई इतने लोग पूछ रहे हो BCA के बारे में कि मतलब मैं खुद ऐसे हो गई, मैंने अपनी फैकल्टी को कॉल की, मैंने कहा सर BCA इतना अच्छा हो रहा है क्या? कह रहे अरे बस वो सबके इंटरेस्ट की बात होती है, सबके करियर स्कोप की बात होती है। तो BCA कॉलेज में बहुत अच्छा है, आप लोग एडमिशन ले सकते हो, आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्लेसमेंट, हाँ एक ये था MBA के लिए कोई टेस्ट क्लियर करना पड़ता है या फिर कुछ मेरिट लिस्ट वगैरह निकलती है, तो आई गेस एक टेस्ट वगैरह तो होता होगा, वो भी आई एम नॉट श्योर। बाकी मेरिट लिस्ट वगैरह का तो कोई सीन नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो ऐसा कुछ तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ, शॉर्ट्स में भी बताया मैंने। प्लेसमेंट कैंपस प्लेसमेंट होती है गाइस, ठीक है। आपके स्कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे इंटरव्यूअर को डील करते हो और कैसे इंटरव्यू को डील करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से किया तो बिल्कुल आपको जॉब मिल जाएगी, अगर नहीं आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर कॉलेज में ही क्या, फिर तो आपको बाहर भी नहीं मिल पाएगी ना, वो आपको इंटरव्यू क्लियर करना आना चाहिए। बाहर भी अगर आप कहीं पर जाओगे तो इंटरव्यू क्लियर तो करना ही पड़ेगा, कॉलेज में ही करके चले जाना, कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोगों का मेरे पास ये मैसेज आ रहा है कि हम बाहर से आ रहे हैं, हम बिहार से आ रहे हैं, तो PG फैसिलिटी ये वो। तो देखो
हॉस्टल्स कॉलेज के भी अवेलेबल हैं, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल दोनों अलग अलग हैं, जिसमें कि आपको एसी नॉन एसी दोनों की फैसिलिटी मिल जाती है। और यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे मतलब अपने आउटर साइड में परिचोक और नॉलेज पार्क टू की साइड पर वो भी किए हुए हैं, मतलब पीजीज भी हायर किए हुए हैं, तो आप पीजी भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो आपको सब यूनिवर्सिटी की साइड से मिल जाएगा। और क्या था, एक दो चीज़ें और थी, वेट, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी लोग मेट्रो से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, नॉलेज पार्क टू से आपको ऑटोज नहीं मिलेंगे, वहाँ से मतलब आपसे कोई 100 चार्ज करेगा, कोई 200 चार्ज करेगा, तो आप उसके अगले वाले स्टेशन यानी कि परी चौक पर उतरें, देन परी चौक से अंसल प्लाजा वाली साइड पर ही बहुत सारे यूनिवर्सिटी बोलते रहते हैं, वो गलगोटिया और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी साइड में ही है, ठीक है। और एक चीज़ और, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप ले रहे हो या ले चुके हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर अभी तक नहीं लिया है, सिर्फ कैंपस विजिट पर जा रहे हो, तो मेरी एडवाइस एक ये है, जो कि गलती मैंने कर दी थी, मैं सिर्फ NIU में ही देखकर और NIU में ही मैंने एडमिशन ले लिया था, मैं ये चाहती हूँ कि आप गलगोटिया भी विजिट करें एंड दोनों को फिर मिक्स मैच करके जो आपको ठीक लगे उसमें एडमिशन लें, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक नाउ अब मैंने सबके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और यूनिवर्सिटी सच में बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आप लोगों को बोला जा रहा है ना, मतलब जो जो लुक्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं, आपने अब एडमिशन ले लिया है तो कि यूनिवर्सिटी है, बच्चे भी नहीं आते उसमें, तो पढ़ाई भी नहीं होती, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्ची में बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है। अब देखो यार, जिस चीज़ का एक बार नाम बदनाम हो जाता है ना, उसका हो ही जाता है, लेकिन नहीं, आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। एंड अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो मतलब हाँ, एक ने मुझसे ये भी पूछा था कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, देखो जितने भी मतलब जिस चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, बिल्कुल करूँगी। आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, जो भी कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत सी बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उस चीज़ में कोई बात नहीं, एक दो दिन का वेट कर लिया करो, बट कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ, सबके देखती हूँ, रात को देखती हूँ, कॉमेंट कर दिया करो और इंस्टा पर मैसेज कर दिया करो, ठीक है। और अभी ये व्लॉग तो, ये वाली वीडियो तो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प है, तो ये तो अभी आ जाएगी इंस्टाग्राम पे, तनिषा शर्मा 2127 पे, आस्क मी अ क्वेश्चन का मैंने स्टोरी लगाई हुई है, कुछ भी किसी को भी पूछना है तो वो जाके मुझसे पूछ सकता है। कल वाले व्लॉग में, कल एक Q&A व्लॉग होने वाला है, तो उसमें मैं सबके रिप्लाई दूंगी, तो आप लोग जाकर मुझसे जो मर्जी वो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अभी भी किसी का डाउट है तो मुझे इंस्टा पे DM कर देना या फिर कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय बाय।